दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि दिन का तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन रात में कोई जब आदमी लिफ्ट मांगता है रोड पे खड़ा होकर तो हम लोग नहीं देते हैं। तो हम बता दें क्यों नहीं रोकता है कि हम लोग रात। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों फैक्ट्री में तो आ गए थे कल शाम में, तो लोड तो हुआ नहीं था, लेबर लोग चला गया था सब। तो अभी सुबह सुबह हम नहा धोवा सब फ्रेश हो गए हैं और लोडिंग अभी चालू है, तो देखते हैं। माल तो तैयार ही था मेरा, दो तीन घंटा में लोड हो जाता है, तो अब निकल भी जाएंगे यहाँ टाइम, जल्दी निकल जाएंगे। मेरा कागज वगैरह भी सब आ गया है। ठीक है दोस्तों, बाहर तब पर जाते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पोहा ही मिलेगा और क्या मिलेगा, नाश्ता तो बहुत चीज़ है लेकिन हम लोग को ज़्यादा पोहा पसंद है। आते हैं कुछ खा कर नाश्ता करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग का तो गाड़ी लोड हो गई आज को, तो वही गाड़ी लोड होते होते एक बज गया, तो वही थोड़ा लेट हो गया। नहाना धोना वही था, नहाए धोए तो वही नहाने धोने में लेट हो गया, तो अभी रस्सा तिरपाल करेंगे जाएंगे यहाँ से। दोस्तों अभी दोपहर का 2 बज गया है और रस्सा तिरपाल सब कर लिए हैं, गाड़ी में लोड हो गया है, टाइम नहीं मिल सका खाना कुछ बनाने का, तो जा रहे बाहर में होटल है वहीं जाते हैं, वहीं जाके खाना वाना खाते हैं अभी, क्योंकि नहाना धोना भी था, कपड़ा लोडिंग भी था और थोड़ा गाड़ी में पानी मारना था, उससे भी कम्प्लीट हुआ। टाइम नहीं मिलता कभी कभी, तो नहीं हो पाता हम लोग का। तो ठीक है दोस्तों, जा रहे अभी किसी होटल पर, बाहर में है ऐसे, तो वहीं जाके खाना खाते हैं। चले आ गए हम लोग होटल में खाना खाने। ये हमारा है सब्जी। चपाती रोटी दोस्तों, शाम के 5:30 बज गया, तो अभी हम निकले वहाँ से, सब कागज वगैरह कंप्लीट हो गया, अब जा रहे कांटा कराने। कांटा करा के फिर अपन जाएंगे उधर, कांटा करा के चलान वालान मिल जाएगा तो निश्चित हो जाएंगे हम। ये देखिए कांटा पर नंबर लगा रहे हैं अभी। दोस्तों कांटा वगैरह हो गया मेरा, अब चले अब गेट पे जा करके कांटा पर्ची जमा करेंगे, मिट्टी लेंगे और फिर निकल जाएंगे अपना, फिर काम खत्म यहाँ का। अपना सफर में जो रास्ता है वही काम है। ये दोस्तों जा रहे हैं फैक्ट्री के गेट पे दोबारा और जाकर लेते हैं बिल्टी। ये देखिए आगे बिल्टी लेकर के निकलते हैं। सारा काम देखिए, बिल्टी दिखाओ, ये सारा तामझाम कागज है अपना, तो जो जरूरत वाला है वही कागज है। ठीक है दोस्तों, शाम भी हो गया, निकलते हैं अब यहाँ से। दोस्तों अभी निकल गए हम लोग, थोड़ा शाम बत्ती वगैरह भी जल गया, थोड़ा बाहर भी देखिए पूरा बत्ती जल रहा है, लाइट तो लग गया है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि दिन का तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन रात में कोई जब आदमी लिफ्ट मांगता है रोड पे खड़ा होकर तो हम लोग नहीं देते हैं। बहुत से लोग ऐसा होगा जो मजबूरी में होगा, गाड़ी वाला हाथ दिया होगा, नहीं रोका होगा, तो हम बता दें क्यों नहीं रोकता है कि हम लोग रात में। हाँ, अगर ऐसा इमरजेंसी है तो आप किसी ढाबा पे जाइए या पेट्रोल पंप पे जाइए, वहाँ से आ जा, लोग जाता भी है, मेरे साथ भी हुआ था, अभी हुआ है, अभी उधर साने में हुआ था कि दो लड़का था, वो था एमपी का, और दोनों लड़का को क्या हुआ था ना कि बेचारा कहीं काम में लेके गया था कर्नाटक में, उसको तो शायद काम पसंद नहीं आया या ज़्यादा मेहनत था, क्या था पता नहीं,
वो लड़का दोनों भाग के आ रहा है वहाँ से, तो वो ट्रक के सहारा में आया वहाँ से। फिर हम ढाबा पे खड़े थे तो आगे हमसे बात करने लगा कि भैया जाइएगा वहाँ तक, हम यहाँ कहाँ से आए क्या, पहले पूछना पड़ता हम लोग को कि ये सब पूछताछ करने के बाद ही हमें बिठाते हैं। तो जो बहुत मजबूरी में रहता है वही लोग गाड़ी में बैठता है, ये वो मजबूरी में नहीं रहता है और तो बस या ट्रेन का सहारा लेता है। कई बार हम देखे हैं पिक्चर में भी दिखाता है कि हीरो हीरोइन भागता है तो ट्रक में ही भागता है। कयामत से कयामत तक में आमिर खान को भी देख लिए, सैराट पिक्चर में भी देख लिए। हम लोग पूछते हैं उसको, फिर खाना वगैरह भी खिलाते हैं और कुछ रास्ते का भी कुछ कर देते हैं हेल्प। वो ढाबा में आके वो गाड़ी वाला छोड़ दिया, उसको जहाँ तक जाना था वहाँ तक बेचारा गया, लेके आया गाड़ी वाला। फिर बोला कि हमको जाना है एमपी में कहाँ, तो बताया जगह का नाम, तो वो बताया कि हमको वहाँ जाना है। तो हम बोले बाबू हम तो वहाँ नहीं जाते हैं। तो फिर कुछ तो हम भी सफ़र में उसको काटे दिए, लेके चले वहाँ से। हम बोले फिर रेलवे स्टेशन चले जाओ, वहाँ से ट्रेन मिल जाएगा। तो वो फिर उसको जो भी हेल्प करना था हम किए उसको, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अगर किसी को साथ ऐसा होता है, कई बार होता है ऐसा कि जेब कट गया या किसी से झगड़ा हो गया, काम छोड़ के भाग गए, तो अगर गाड़ी सारा लेना हो तो पहले किसी ढाबा पे जाओ, क्योंकि ढाबा वाला फिर ट्रक वाला का गारंटेड बनेगा। हम लोग को विश्वास हो जाएगा कि हाँ हम लोग रुकते हैं ढाबा पे, ढाबा वाला जान पहचान परिचित कर लेता है, हाँ हाँ ये लड़का वहाँ काम कर रहा था तो तुम वहाँ जा रहे हो तो लेके चले जाना। तो इस टाइप का हम लोग हेल्प करते हैं। ठीक है दोस्तों, निकलते हैं भाई। दोस्तों पेट्रोल पंप में तो आ गए, अभी डीजल लेना अपना चालू है, अब डीजल भी लेना है। ख्याल से डीजल 360-350 तक फुल होना चाहिए, तब तक वो भी सियाव साफ करवा ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, टंकी फुल कर निकलते हैं अभी। दोस्तों सोलापुर सांगोला तरफ अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये देखिए कितना बारिश हो रहा है रास्ता में। तो हमारे ड्राइवर लोग से, ड्राइवर भाई लोग से कहना है कि अगर रसा त्रिपाल ये सोच के नहीं कर रहे हैं कि बारिश नहीं होने वाला है, हल्का फुल्का मार लो बारिश, हम भी वही गलती करने वाले थे। लेकिन क्या मन में आया कि मेरा त्रिपाल छोटा पड़ता है, तो हम चलो दोनों त्रिपाल मार लेते हैं, तो दोनों त्रिपाल मार लिए हैं, तो अच्छा किए हैं। तो इसीलिए हम कहना चाहेंगे इस रोड पर अगर कोई आ रहे हैं अपना ट्रक लेके तो त्रिपाल रस्सा मजबूत करके आए। देखिए कितना तेज बारिश हो रहा है कि आपको वाइपर चलाना पड़ गया, ठंडा कुछ भी नहीं है। देखिए कितना बारिश हुआ है इधर। रात के 11 बज गया, चले खाना खाने, आ गए होटल पे खाना खाने के लिए। ये हम लोग सोलापुर पार कर गए अभी और यहीं पे है सदाजी के ढाबे पे, सदाजी के ढाबे पाए हैं। रात के 11 बज गया, खा पी गए, सोएंगे, 4 बजे सुबह उठ के चलेंगे यहाँ से। ठीक है, ऑर्डर मार दिए हैं, खाना आने ही वाला होगा। ठीक है दोस्तों, खाना खाते हैं पहले, आने देते हैं ऑर्डर। ये आ गया हमारा गाजर मटर मलाई डाल के, दोस्तों खाना वाना खा लिए राजी का ढाबा में, और ये हमारा गार्ड साहब है, ये रात भर यहाँ देते हैं दरवानी, और गार्ड वगैरह जहाँ रहता है वहीं हम लोग गाड़ी रोकते हैं। क्या नाम होता है बाबू? कमलेश कुमार। कमलेश कुमार, तो कितना बजे हम बोले उठाना? 4 बजे। 4 बजे, 4 बजे हमको उठा देंगे, अंदर पूरा गाड़ी लगा हुआ पूरा। तो हम लोग भी सुरक्षित जगह देखते ही सोते हैं जहाँ गार्ड वगैरह रहता है। सदाजी का होटल है खाना, तो यहाँ शुरू से अच्छा मिला हम लोग को। ठीक है, हमको 4 बजे उठा देना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहीं पर सोते हैं और इस ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय और जय हिंद दोस्तों।